अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पाकिस्तान अफेयर्स लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक जो हमारा है वो है चेंजिंग सिक्योरिटी डायनामिक्स फॉर पाकिस्तान। ठीक है जी, सिक्योरिटी डायनामिक्स को हमें डिस्कस करना है तो सबसे पहले वी मस्ट हैव टू नो व्हाट आर सिक्योरिटी डायनामिक्स। तो सिक्योरिटी डायनामिक्स एक्चुअली में इस तरह के इंटरेक्शन या फैक्टर्स हम कह सकते हैं जो कि किसी भी नेशन की सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो असरअंदाज हो रहे हैं। मीन्स की इस तरह के डायनामिक्स ये ऐसे इस तरह के सिनेरियोज या फैक्टर्स जो कि किसी रीजन की, किसी भी नेशन की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, तो ये डायनामिक्स जो है वो एक्चुअली में क्या कहलाते हैं, सिक्योरिटी डायनामिक्स। ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हो सकते हैं, ट्रेडिशनल हो सकते हैं, नॉन ट्रेडिशनल, डिफरेंट टाइप्स के। तो अभी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे इन सिनेरियो पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो डिफरेंट सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं, चेंजिंग सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं, उन्हें हमें यहाँ स्टडी करनी है। इवॉल्विंग सिक्योरिटी चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान, जो न्यू डिफरेंट सिक्योरिटी चैलेंजेस पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट या उसके नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए जो इवॉल्व हो रहे हैं सिक्योरिटी चैलेंजेस पाकिस्तान के, उन्हें हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है जी, सिक्योरिटी लैंडस्केप की अगर बात की जाए फॉर पाकिस्तान हैज अंडरगोन सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन रिसेंट ईयर्स। काफी ज्यादा सिक्योरिटी लैंडस्केप चेंज हो चुका है, बहुत से ट्रांसफॉर्मेशन इसमें आई हैं। अब से कुछ टाइम तक पहले सिक्योरिटी डायनेमिक कुछ डिफरेंट थे, बट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम अब जो सिक्योरिटी डायनेमिक्स है वो डिफरेंट है। इवॉल्विंग रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी डायनेमिक्स कपल्ड विद इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज हैव पोस्ड बोथ ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स। ठीक है जी, जो रीजनल बेसिस पे जो सिक्योरिटी इश्यूज इवॉल्व हो रहे हैं, ग्लोबल सिक्योरिटी डायनामिक्स इवॉल्व हो रहे हैं, तो इनकी वजह से जो इंटरनल सिक्योरिटीज हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, वो भी अराइज हो रहे हैं। और ये दोनों के दोनों जो ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है जी, अब बेंगे सीएसएस स्टूडेंट और आपको कंपेटिटिव एग्जाम की स्टडी करनी है तो उसके लिए आपको इन सिक्योरिटी डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करना है और उसके ऊपर लाजमी आपको ग्रेस्प लेनी है कि ये क्या चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल की बात हो रही है, तो ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल डायनेमिक्स के अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल जो है जैसे किसी भी कंट्री की मिलिट्री होती है, मिलिट्री स्ट्रेंथ है, कैपेबिलिटीज हैं, या जो पॉलिटिक्स होती है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजीज हैं, तो वो सब जो हमारे पास आ जाती है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। ठीक है जी, लेकिन अगर हम बात करें नॉन ट्रेडिशनल की, तो नॉन ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं उसमें आप ले सकते हैं जिस तरीके से आजकल साइबर सिक्योरिटी वाला इश्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, इसके अलावा टेररिज्म है या काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स आ रही हैं, इस आप एनवायरमेंटल सिक्योरिटी इश्यूज को ले सकते हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी, एनर्जी रिसोर्सेज की सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटीज वगैरह, और डिफरेंट इस तरह की जो सस्टेनेबल गोल्स वगैरह, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इस किस्म की जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं वो तमाम के तमाम जो है वो डायनेमिक्स नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स में आ जाएंगे। ठीक है जी, तो इनको आपने डीपली यहाँ पे देखना है, टॉपिक्स को डिस्कस करना है अकॉर्डिंग टू द रीजन, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन या अकॉर्डिंग टू नेशन कि ये सिक्योरिटी डायनामिक्स जो है वो किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, और इन्हें देखते हुए फिर क्या होता है कि जो डिफेंस पॉलिसीज हैं या सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं वो ऑर्गेनाइज की जाती है। इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान सिक्योरिटी एनवायरमेंट, पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी एनवायरमेंट है उसका सबसे पहले हम यहाँ पे ओवरव्यू लेंगे। हिस्टोरिकल सिक्योरिटी कॉन्टेक्ट, पोस्ट इंडिपेंडेंस थ्रेट्स। ठीक है जी, इंडिपेंडेंस से कुछ टाइम बाद तक जो थ्रेट्स रहे, जो सिक्योरिटी इश्यूज रहे, टेंशन्स विद इंडिया सिंस 1947, इंडिया के साथ जो है वो जब से पाकिस्तान आजाद हुआ तब से एक जो है वो टेंशन क्रिएट हुई 1947 से, लीडिंग टू मल्टीपल वॉर्स 1947 से 1948 तक, 1965, 1971, फिर 1999, तमाम जो वॉर्स हुई इंडिया के साथ, ये तमाम के तमाम जो पोस्ट इंडिपेंडेंस थ्रेट्स में आते हैं। नेक्स्ट वी हैव कोल्ड वॉर इन्फ्लुएंस। कोल्ड वॉर इन्फ्लुएंस ने किस तरीके से, जो कोल्ड वॉर थी उसने किस तरह से इन्फ्लुएंस किया, वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जो है पाकिस्तान का एक आपको ओवरव्यू दे सकता है। पाकिस्तान रोल इन द अफगान जिहाद 1979-1989। ठीक है जी, जो अफगान जिहाद था पाकिस्तान ने उन्हें रोल प्ले किया, पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया अगेंस्ट सोवियत फोर्सेज एंड इट्स अलाइनमेंट विद यूएस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। ठीक है जी, ये चीजें भी काफी ज्यादा सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लुएंस किया आगे जाकर, बिकॉज कि ये यूएस के अगेंस्ट हुई तो ऑब्वियसली यूएस के साथ जो रिलेशंस हैं, जो कोल्ड वॉर है वो स्टार्ट हो गई। तो ये तमाम सिनेरियो आपको स्टडी करना है। पोस्ट 9/11 शिफ्ट्स, पाकिस्तान फ्रंट लाइन रोल इन द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर,
आफ्टर 9/11 जो 9/11 अटैक्स हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, तो उसमें पाकिस्तान जो है उसका फ्रंटलाइन रोल था इन ग्लोबल वॉर के अंदर, कि पाकिस्तान ने फिर अगेंस्ट वॉर ऑन टेरर में जो है वो काफी ज्यादा रोल प्ले किया फ्रंटलाइन के ऊपर आकर। कॉन्टेम्प्रेरी सिक्योरिटी एनवायरमेंट अगर हम देखें, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स प्राइमरली फोकस ऑन रिलेटेड है, जैसे अभी अभी मैंने आपको ऊपर स्टार्ट में डिस्कस किया कि जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसमें मिलिट्री थ्रेट्स हो जाते हैं, जैसे कि इंडिया की तरफ से हैं, पर्टिकुलर रिलेटेड टू टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स एंड स्ट्रेटेजिक मिलिट्री कंपटीशन, ठीक है जी, जो डिफरेंट डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, कश्मीर इशू हो गया और इस तरह के डिफरेंट जो स्ट्रेटेजिक मिलिट्री कंपटीशन हैं आर्म फोर्सेस के दरमियान में, तो तमाम चीजें जो है वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स में आ जाते हैं। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स की तरफ अगर हम आए तो डिफरेंट जो कंसर्न्स हैं, जैसे कि टेररिज्म हो गया, साइबर थ्रेट्स हैं, क्लाइमेट चेंज और इंटरनल इंसर्जेंसीज वगैरह, ये सब पे सब आ जाते हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चेंजेस कंसर्न्स के अंदर। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनमें सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान राइवलरी है। ओके, ये कश्मीर डिस्प्यूट, द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट ओवर द जम्मू एंड कश्मीर रीजन रिमेन्स द सेंट्रल पॉइंट ऑफ मिलिट्री टेंशन, मेन इशू, दोनों कंट्रीज की जो मिलिट्रीज हैं उनके दरमियान जो टेंशन का मेन कॉज एंड रीजन जम्मू एंड कश्मीर रीजन जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है। क्रॉस बॉर्डर स्कर्मिशेस को अगर देखें, फ्रीक्वेंट सीज फायर वायलेशंस एंड बॉर्डर स्कर्मिशेस अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर बहुत ज्यादा जो है वो क्रॉस बॉर्डर सिचुएशन क्रिएट रहती है, जो दोनों बॉर्डर्स के दरमियान जो एक इंटेंस सिचुएशन या एक इंटेंस फाइट या क्लैशिंग सिचुएशन कह सकते हैं। तो ये चीज जो है वो भी दोनों कंट्रीज के दरमियान जो उनके फ्रीक्वेंट सीज फायर हो जाते हैं, सीज फायर वायलेशन होती है, ठीक है जी, कभी किसी की तरफ से भी किसी तरफ से, तो ये जो है वो बहुत ज्यादा स्क्रमिशेस मीन्स टेंशन क्रिएट रहती है दोनों LOC पर, ठीक है जी। न्यूक्लियर डेटरेंस की अगर बात की जाए, द ग्रोइंग न्यूक्लियर आर्म रेस where both countries maintain and develop nuclear arsenals as a deterrent, ठीक है जी। न्यूक्लियर डेटरेंस में जो ग्रोइंग न्यूक्लियर आर्म रेसिस है वे बोथ कंट्रीज मेंटेन एंड डेवलप न्यूक्लियर एर्सेनल्स एज अ डेटरेंट। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों कंट्रीज की जो न्यूक्लियर आर्म्स हैं वो बढ़ रही हैं, दोनों कंट्रीज जो है वो काफी ज्यादा मेंटेन कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं अपने न्यूक्लियर एर्सेनल्स को, जो उनकी कलेक्शन है वेपन्स का या डिफरेंट इस तरह की चीजें एज अ डेटरेंट के तौर पर। कॉन्वेंशनल मिलिट्री थ्रेट, ठीक है जी, कॉन्वेंशनल मिलिट्री थ्रेट में क्या है, India's growing military spending and modernizing pose a conventional threat to Pakistan's defense capabilities. कन्वेंशनल मिलिट्री थ्रेट किस तरीके से है कि इंडिया की जो ग्रोइंग मिलिट्री स्पेंडिंग है, ठीक है जी, मॉडर्नाइजेशन है काफी ज्यादा, इसके साथ साथ ये जो है वो क्या कर रही है, एक कन्वेंशनल थ्रेट क्रिएट कर रही है पाकिस्तान के डिफेंसिंग कैपेबिलिटीज के ऊपर। जिसने अभी कुछ पिछले टॉपिक्स में भी चीज डिस्कस हुई कि इंडिया की जो काफी ज्यादा अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखें, इकोनॉमिकली रिलेशनशिप देखें या बाकी कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा एक उनकी एक काफी अपर अप्रोच है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो इस चीज का बेनिफिट उन्हें अपनी मिलिट्री में भी उन्हें ऑब्वियसली मिल रहा है, तो उनकी जो मिलिट्री है वो काफी ज्यादा ग्रो कर रही है और इसमें जो मॉडर्नाइजेशन है वो भी ज्यादा है, और ये चीज क्या कर रही है, एक कॉन्वेंशनल थ्रेट क्रिएट कर रही है पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए, ठीक है जी। अफगानिस्तान एंड रीजनल इंस्टेबिलिटी, रीजनल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान के अफगानिस्तान की, ठीक है जी, पोस्ट तालिबान अफगानिस्तान अनसर्टेनिटी आफ्टर द US विदड्रॉल इन 2021 एंड द तालिबान रिटर्न टू पावर, विच कुड रिजल्ट इन स्पिल ओवर इफेक्ट्स फॉर पाकिस्तान, स्पेशली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड रेफ्यूजी इन्फ्लक्स, ठीक है जी। अब जो US की वॉर ऑन टेरर रही अगेंस्ट अफगानिस्तान, ठीक है, उसमें पाकिस्तान ने जो है वो US का साथ दिया और इसमें वॉर अगेंस्ट टेरर में, वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान ने US को काफी ज्यादा सपोर्ट किया, बट 2021 में जब US ने विदड्रॉ कर दिया अपनी इस GWOT से, तो इसके अगेंस्ट में क्या हुआ कि तालिबान जो है वो वापस अपनी पावर में आए और अब इसके रिजल्ट ओवर में उनका कंप्लीट स्पिल ओवर था पाकिस्तान की तरफ, बिकॉज पाकिस्तान ने US का साथ दिया, उनके अगेंस्ट कुछ स्टेप्स लिए, तो अब जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है या रेफ्यूजी इन्फ्लक्स है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज है और रीजनल इंस्टेबिलिटी जो है वो एक्चुअली में एक जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट कर रही है पाकिस्तान के लिए।
ठीक है, क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी को अगर देखें, द प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंट ग्रुप्स अलोंग द पाकिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पोजिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स टू टेरर अटैक्स एंड इंसर्जेंसी, जैसे कि अभी डिस्कस हुआ कि जो क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी है, जो मिलिटेंट ग्रुप है प्रेजेंट है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर, इनका जो इनकी अफगानी जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उसे काफी ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स का सामना कर रहा है पाकिस्तान को टेरर अटैक्स एंड इंसर्जेंसी के थ्रू। बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज को अगर हम देखें तो वेस्टर्न बॉर्डर अफगानिस्तान का है और ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो इंडिया का है, और दोनों के साथ पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप्स हैं वो थोड़े से एक इंटेंस सिचुएशन का शिकार है, स्कर्मिशेस की एक सिचुएशन है। वेस्टर्न बॉर्डर अफगानिस्तान चैलेंजेस इन सिक्योरिंग द पोरस ड्यूरेंट लाइन लीडिंग टू क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंस एंड स्मगलिंग, ठीक है जी, जो ड्यूरेंट लाइन है, ठीक है जी, मोस्ट फेमस, इसकी इससे क्या हो रहा है, ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है क्योंकि क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसीज हो रही है, स्मगलिंग वगैरह जो उस बॉर्डर लाइन के थ्रू काफी ज्यादा हो रही है, और ये चीज बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा एक थ्रेट कॉज कर रहा है। ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ अगर हम देखें तो वहां पर मौजूद है इंडिया मेंटेनिंग विजिलेंट डिफेंस अलॉन्ग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, एक विजिलेंट डिफेंस रखने की बहुत ज्यादा शदीद जरूरत है, पर्टिकुलरली इन पंजाब एंड राजस्थान की तरफ, प्रिवेंट एनी इन्फिल्ट्रेशन और मिलिट्री इंसर्शन, कि किसी तरह का जो इन्फिल्ट्रेशन है या कोई नाखुशगवार वाकया जो है वो इस किस्म का पेश ना आ सके। एवॉल्विंग नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस में कौन कौन से है, टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म है, डोमेस्टिक टेररिज्म सबसे पहले, द राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स लाइक द तहरीके तालिबान पाकिस्तान, सेक्टेरियन वायलेंस एंड द प्रेजेंस ऑफ आईएसआई ISIS affiliated groups, ठीक है जी, इन सब की प्रेजेंस की वजह से जो एक राइज एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स का इनके जो वायलेंस है या इनका जो प्रेजेंस है वो डोमेस्टिक टेररिज्म को काफी ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अगर हम देखें तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में जो मिलिटेंट्स हैं अफगानिस्तान के और दूसरे रीजनल प्लेयर्स वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पाकिस्तान के पोरस बॉर्डर्स को, ठीक है जी, जो स्मगलिंग वगैरह हो रही है और किस किस्म की इंसर्जेंसीज वगैरह हो रही है, तो ये पाकिस्तान की जो एक सिक्योरिटी जो इश्यूज हैं उनमें एक लैप्स क्रिएट कर रहे हैं। काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान मिलिट्री ऑपरेशंस लाइक ऑपरेशन रेडिज्म एंड ऑपरेशन रेडी फसाद हैव सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड टेररिज्म बट द थ्रेट परसिस्ट, काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली इन दोनों ऑपरेशन ने जरबीअजब ऑपरेशन रेडी फसाद ने इस चीज को काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया, लेकिन थ्रेट जो है वो स्टिल परसिस्ट कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को अगर हम देखें, स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर स्टेट है, ठीक है जी, स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक्स, इसमें क्या होता है कि जो राइजिंग थ्रेट्स हैं स्टेट एक्टर्स की तरफ से जो कि पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं उसके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो उसमें क्या है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, डिफेंस सिस्टम्स भी हैं, गवर्नमेंट डाटा भी है, और ये इस तरीके से मीन्स के जो गवर्नमेंट साइट्स हैक हो जाती हैं, एक सेंसिटिव डाटा जो है वो लीक आउट हो जाता है, तो ये चीजें जो एक्चुअली में साइबर अटैक्स में आ जाती हैं, और ये साइबर सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो विद टाइम या विद अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एज के साथ साथ ये थ्रेट जो बढ़ता जा रहा है। नॉन स्टेट साइबर थ्रेट्स कौन कौन से हैं, हैकर्स एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग साइबर स्पेस फॉर प्रोपेगेंडा रिक्रूटमेंट एंड स्पिनेज, ठीक है जी, जो नॉन स्टेट साइबर थ्रेट्स में उसमें हमारे पास जो हैकर्स हैं टेररिस्ट वगैरह ऑर्गेनाइजेशन जो कि साइबर स्पेस को यूज कर रही है डिफरेंट प्रोपेगेंडा क्रिएट करने के लिए, रिक्रूटमेंट वगैरह के लिए। इकोनॉमिक सिक्योरिटी की अगर बात करें, डेटा एंड डेप्थ एंड इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, पाकिस्तान का जो ज्यादा रिलायंस है वो फॉरेन लोन्स के ऊपर ही चल रहा है और एड जो है, ठीक है, लेकिन ये चीज क्या कर रही है, एक्चुअली इंपैक्टिंग द नेशनल सिक्योरिटी और कंट्री को बहुत ज्यादा वल्नरेबल कर रही है एक्सटर्नल इकोनॉमिक प्रेशर्स के ऊपर, यानी बाकी अब ऑब्वियसली जहां से वो लोन लेंगे तो उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको फॉलो करना पड़ेगा और जो डेब्ट्स हैं वो पे करने पड़ेंगे, नहीं पे करेंगे तो वो डेब्ट जो है वो इंक्रीज होगा, तो इस किस्म की सिचुएशन जो है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है और एक इकोनॉमिक प्रेशर जो है वो कंट्री के ऊपर कॉज कर रही है। सीपैक रिलेटेड सिक्योरिटी कंसर्न्स, ensuring the security of China, Pakistan Economic Corridor projects against regional powers and insurgent groups, aiming to sabotage the initiative. ठीक है जी, अब जो प्रोजेक्ट है वो डिफरेंट जो रीजनल पावर्स हैं या इंसर्जेंट ग्रुप्स वगैरह जो है वो इस चीज को ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और इससे क्या हो रहा है कि जो एक इनिशिएटिव लिया गया है सीपेक का उसे ये सबोताज कर रहे हैं, ठीक है जी, इससे रिलेटेड सिक्योरिटी इश्यूज कुछ क्रिएट हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी में वाटर स्कार्सिटी है,
The growing water crisis between Pakistan and India exacerbate climate change is a key national security issue. Key national security issue है पाकिस्तान जो पानी का मुहैदा सिंतास मुहैदा उसके काफी ज्यादा जो है वो इंडिया ने उसको जो है वो उसके अगेंस्ट आकर डैम्स वगैरह बना दिए ठीक है जी। और ये चीजें जो वाटर क्राइसिस को पाकिस्तान ने काफी सीवियर कर रही है और ये आपस में जो एक सिचुएशन चल रही है रिगार्डिंग वाटर स्कार्सिटी तो ये भी एक की नेशनल सिक्योरिटी इश्यू जो बनता जा रहा है। नेचुरल डिजास्टर्स की अगर बात करें पाकिस्तान वल्नरेबिलिटी टू फ्लड्स ड्राफ्ट्स एंड अदर क्लाइमेट इंक्लूडेड क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स स्ट्रेंज इट्स मिलिट्री एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज ठीक है जी। अब पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा एक उसको सामना करना पड़ जाता है फ्लड का सैलाबी सूरत हाल होगी गहत सारी वगैरह होगी और डिफरेंट जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स हैं वो चीज एक बहुत ज्यादा एक स्ट्रेन एक टेंशन क्रिएट करती है मिलिट्री के ऊपर और डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज के ऊपर। फूड इनसिक्योरिटीज की अगर बात की जाए तो फूड इनसिक्योरिटीज में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जो एग्रीकल्चर सेक्टर की एक सक्सेप्टेबिलिटी है या आप कह सकते हैं वल्नरेबिलिटी है क्लाइमेट चेंज की तरफ इंपैक्ट कर रही है कंट्री की फूड सिक्योरिटी को बॉर्डर इम्प्लीकेशंस फॉर नेशनल स्टेबिलिटी ठीक है जी। इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंसर्जेंसीज में बलूचिस्तान इंसर्जेंसी है ठीक है जी। बलूचिस्तान इंसर्जेंसी को अगर हम देखें तो बलूचिस्तान इंसर्जेंसी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स कंटिन्यू टू चैलेंज द स्टेट अथॉरिटी टू बलूचिस्तान ड्रिवन बाय इकोनॉमिक ग्रीवनेस एंड रीजनल इंस्टीग्नेशन। जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो कि कबाइल आप कह सकते हैं ये चैलेंज करते रहते हैं बलूचिस्तान में जो अथॉरिटी है स्टेट की अथॉरिटी को उसको। तो इस चीज से क्या है कि जो इकोनॉमिक ग्रीवनेस है कि हमें इतना हिस्सा नहीं मिला या हमारे पास कम पैसे हैं और जो रीजनल इंस्टीग्नेशन है उस चीज में ये चीज इजाफा करती है। सिंध एंड केपीके अंडर ठीक है जी। सिंध और केपीके का जो इशू है द राइज ऑफ नेशनलिस्ट एंड एथनिक इंसर्जेंट ग्रुप्स इन सिंध एंड केपीके लीडिंग टू लोकलाइज वायलेंस एंड इंस्टेबिलिटी ठीक है जी। लोकलाइज वायलेंस एंड इंस्टेबिलिटी को काफी ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं अगर हम इन दोनों सिंध और केपीके में जो नेशनलिस्ट या एथनिक इंसर्जेंट ग्रुप्स की अगर बात करें। सेक्टेरियन वायलेंस शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट The growing divide between Shia and Sunni sects fueled by extremist groups has resulted in sectarian violence in various parts of the country. Shia Sunni जो mostly ये conflict जो है वो rise हो जाता है कुछ extremist groups होते हैं जो उसको fuel up कर देते हैं और as a result जो sectarian violence है जो एक दोनों sectors के दरमियान जो एक conflict है वो उसकी काफी ज्यादा भड़क जाती है और ये different parts of country में काफी ज्यादा expand हो जाती है situation just by filling up of filling the issue by some extremist groups. Religious extremism की अगर बात करें groups using religious platforms to incite violence and destabilize internal security because internal security काफी ज्यादा threat create हो जाता है अगर religious जो मजहबी इंतहा पसंदी है वो अगर बहुत ज्यादा increase हो जाए तो। urban crime and militancy की अगर हम बात करें कराची security situation कराची की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है एक अर्बन क्राइम के तौर पर ये बहुत ज्यादा एक हाईलाइटेड मसला है। व्हाइल लॉ एनफोर्समेंट हैज इंप्रूव्ड कराची रिमेन्स अ हब फॉर क्रिमिनल एंड मिलिटेंट एक्टिविटीज ठीक है जी। अब लॉ एनफोर्समेंट जो है वो उसको इम्प्रूव होने की जरूरत भी है कुछ इम्प्रूव हो चुका है लेकिन फर्दर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वरना कराची जो है वो एज ए हब फॉर क्रिमिनल मिलिटेंट एक्टिविटीज के लिए रह जाएगा। लाहौर एंड पेशावर को अगर देखें तो राइज इन अर्बन टेररिज्म जो अर्बन टेररिज्म इंक्रीज हो रहा है लाहौर में स्पेसिफिकली पेशावर में और कुछ ऑर्गेनाइज क्राइम वगैरह सिविलियंस को टारगेट करना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ये डिफरेंट इस तरह के जो मसले मसाइल करंट अफेयर्स में आप देख सकते हैं। अभी लाहौर में फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है पीजीसी स्टूडेंट केस वगैरह तो ये इस तरह के जो अर्बन इश्यूज आ रहे हैं या सिविलियंस की तरफ से कोई मसला है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की तरफ से कोई मसला है या अर्बन टेररिज्म जो है वो हिट कर रहा है जाकर या कोई ऑर्गेनाइज क्राइम किए जा रहे हैं तो ये तमाम चीजें जो है वो काफी ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स क्रिएट कर देती है। इमर्जिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स में सबसे पहले हमारे पास हाइब्रिड वॉरफेयर है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर the use of disinformation campaigns by state and non-state actor to destabilize Pakistan domestically and internationally कुछ गलत किस्म की अफवाहें नेगेटिव अफवाहें जो कैसे कुछ क्रिएट हुआ नहीं होता लेकिन वो मनफी अफवाहें जो फैला दी जाए उससे क्या होता है कि इस तरह का प्रोपेगेंडा क्रिएट हो जाता है कि पाकिस्तान का जो डोमेस्टिकली इंटरनेशनली जो इमेज है वो खराब होता है और एक डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है।
ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ठीक है। प्रोपेगेंडा कैंपेन्स एमिंग टू अंडरमाइन पब्लिक मोरल एंड क्रिएट सोशल अनरेस्ट, जो सोशली और पब्लिकली जो प्रोपेगेंडा जिस तरह के होते हैं वो एक्चुअली में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर क्रिएट कर देते हैं। प्रॉक्सी वॉर्स सॉरी प्रॉक्सी वॉर्स को अगर देखें तो रीजनल पावर्स यूजिंग प्रॉक्सी ग्रुप्स विद इन पाकिस्तान टू डिस्टेबलाइज इंटरनल सिक्योरिटी एंड इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी डिसीजन। रीजनल पावर्स हैं अगर वो अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को यूज कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वो एक्चुअली में क्या करती हैं, डिस्टेबलाइज करती हैं इंटरनल सिक्योरिटी को, ठीक है जी। और क्या होता है ये इस तरह की जो इश्यूज हैं वो फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं या उसके ऊपर उनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। मिलिट्राइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी को अगर देखें, ड्रोन वॉरफेयर, द इंक्रीज यूज ऑफ ड्रोन बाई बोथ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स पजेस सर्विलियंस एंड टारगेटेड अटैक थ्रेट्स। ड्रोन के यूज की वजह से क्या हो रहा है, अगर टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है, मिलिट्राइजेशन हो रही है टेक्नोलॉजी के अंदर, तो ड्रोन वॉरफेयर सबसे पहले ड्रोन तो यूज किया जा रहा है, और ड्रोन की वजह से जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं बोथ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों के लिए एक सर्विलियंस प्रोवाइड करना जो बड़ा आसान हो गया, और ये जो टारगेटेड थ्रेट अटैक थ्रेट्स हैं वो बहुत इजीली उनके ऊपर अमल हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात की जाए, इवॉल्विंग यूज ऑफ एआई इन मिलिट्री एप्लीकेशंस बोथ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव क्रिएट न्यू डायमेंशंस ऑफ सिक्योरिटी रिस्क। अब बहुत ज्यादा ऑफेंसिव भी है और डिसऑफेंसिव भी है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं एआई के, तो ये जो है वो कुछ न्यू डायमेंशंस क्रिएट कर रहे हैं सिक्योरिटी रिस्क से। अगर साइबर वॉरफेयर की बात करें, द पोटेंशियल फॉर साइबर अटैक्स टू डिस्टर्ब मिलिट्री कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस सिस्टम्स, साइबर वॉरफेयर डिफरेंट साइबर अटैक्स हो रहे हैं, हैक किए जा रहे हैं गवर्नमेंट सिस्टम्स को, तो ये चीजें जो बहुत ज्यादा जो मिलिट्री कम्युनिकेशन है या इंफ्रास्ट्रक्चर है या गवर्नेंस सिस्टम है उनको अफेक्ट करता है। नार्कोटिक्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है जी, जो स्मगलिंग वगैरह और इस किस्म के चीजें क्रिएट होती हैं, नार्कोटिक्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सबसे पहले है ड्रग स्मगलिंग। ड्रग स्मगलिंग पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक लोकेशन मेक्स इट वल्नरेबल टू नार्कोटिक्स ट्रैफिकिंग स्पेशली फ्रॉम अफगानिस्तान, अफेक्टिंग इंटरनल स्टेबिलिटी। अफगानिस्तान से एक बहुत बड़ी जो है वो तादाद में नार्कोटिक्स वगैरह की जो ट्रैफिकिंग है वो होती है, और ये इंटरनल स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है, ठीक है, जो स्मगलिंग है ड्रग्स वगैरह की। पाकिस्तान की एक्चुअली में लोकेशन इस तरह की है कि ये बहुत ज्यादा एक वल्नरेबल है कि यहाँ से ट्रैफिकिंग जो बहुत इजीली हो सकती है, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की अगर बात करें, इंक्रीज इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिंग्स लिंक्ड टू टेररिज्म फाइनेंसिंग और ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है जी। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसकी भी जो लिंक है वो टेररिज्म के साथ, वहां से जो फाइनेंस प्रोवाइड किया जा रहा है इसके साथ साथ ऑर्गेनाइज क्राइम के तौर पर लिंक कर रहा है, ठीक है जी। पाकिस्तान रिस्पॉन्स टू इवॉल्विंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, अब ये जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं इनके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान का क्या किस तरीके से पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है, ये तमाम जो सिक्योरिटी चैलेंजेस इवॉल्व हो रहे हैं। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, सबसे पहले तो जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उन्हें अपग्रेड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान इज फोकस्ड ऑन अपग्रेडिंग इट्स एयर नेवल एंड ग्राउंड फोर्सेस, तमाम बड़ी बड़ी और हवाई फोर्सेस को जो है वो पाकिस्तान की तरफ से फोकस किया जा रहा है उन्हें अपग्रेड करने में। इसके साथ साथ उसमें इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है एडवांस टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक एसेट्स को। न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलपमेंट को देखें तो पाकिस्तान की ने जो वो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी मॉडर्नाइजिंग की तरफ और उसकी ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट लगानी शुरू की है, ताकि पाकिस्तान के जो है वो न्यूक्लियर डेटरेंस कायम रहे, इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। इसके साथ साथ कुछ न्यूक्लियर वेपन्स भी जो है वो भी तैयार किए जा रहे हैं। डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स की अगर बात करें तो रीजनल डिप्लोमेसी है, ग्लोबल कॉपरेशन। रीजनल डिप्लोमेसी में नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे अफगानिस्तान है, ईरान है, चाइना है, इनके साथ जो है वो एक इंगेजिंग सिचुएशन कायम रखनी है, डिप्लोमेटिक तौर से चलना है, ताकि इनके साथ जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको इक्वली शेयर किया जा सके। ग्लोबल कॉपरेशन की बात क्या है, एनहेंसिंग कॉपरेशन विद ग्लोबल पावर्स लाइक द यूएस, चाइना, रशिया एंड द ईयू फॉर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एंड काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स। जो कॉपरेशन है ग्लोबल पावर्स के साथ, यूएस है, चाइना है, रशिया है, इनके साथ, इसके साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज हैं, सिक्योरिटी के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। काउंटर टेररिज्म मेजर्स की अगर बात करें तो नेशनल एक्शन प्लान है नैप। नैप हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन कर्बिंग डोमेस्टिक टेररिज्म थ्रू एनहेंस्ड लॉ एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड मिलिट्री ऑपरेशन। अब नैप जो है वो एक्चुअली में क्या है, काफी ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल है, ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है जो डोमेस्टिक टेररिज्म वगैरह को जो है वो एक्चुअली में सॉल्व कर देता है थ्रू इट्स इनहेंस लॉ एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस
शेयरिंग एंड मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए, ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव काउंटर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज। काउंटर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज में जो रिलीजियस मॉडर्नाइजेशन है उसे जो है मीडिया के थ्रू, एजुकेशन, रिलीजियस रिफॉर्म्स के थ्रू जो है वो काफी ज्यादा उसको एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी जो है ये भी एक जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट की तरफ लेके जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को अगर देखें तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान का जो एक इंप्लीमेंट की है पाकिस्तान ने पॉलिसीज एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग इट्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट पोटेंशियल साइबर थ्रेट्स। जो साइबर थ्रेट्स हैं उनके अगेंस्ट कुछ साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज पाकिस्तान ने जो है वो अरेंज की हैं, ताकि इसकी जो उनका जो एम है वो क्या है कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है पोटेंशियल साइबर थ्रेट्स वगैरह के अगेंस्ट वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए और इन थ्रेट का जो है वो सामना ना करना पड़े। इंटरनेशनल कॉपरेशन की अगर बात की जाए, कोलैबोरेटिंग विद अदर नेशंस to build cyber security capabilities and respond to emerging cyber threats. Different international cooperation की demand भी पाकिस्तान की तरफ से है और वो collaborate भी कर रहे हैं different nations की तरफ, ताकि जो cyber security capabilities हैं उन्हें बढ़ाया जा सके, उन्हें growth किया जा सके in response to these emerging cyber threats. Conclusion की तरफ अगर हम आ जाए तो security dynamics जो है पाकिस्तान के वो मतलब ट्रेडिशनल जो मिलिट्री थ्रेट्स हैं वहां से कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं काफी ज्यादा। एज टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है तो सिक्योरिटी डायनेमिक्स हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं काफी ज्यादा। डिफरेंट रिलेशंस हैं, कहीं पे पॉजिटिव रिलेशनशिप्स हैं पाकिस्तान के बिल्टअप हैं, कहीं पे कोल्ड वॉर है, तो ये तमाम चीजें जो है वो एक्चुअली में एक सिक्योरिटी डायनेमिक की तरफ तो लीड करती हैं। तो इनको ट्रेडिशनल मिलिट्री थ्रेट्स हो गए, डिफरेंट हो गए या नॉन ट्रेडिशनल हो गए, इन सबको पाकिस्तान का जो रिस्पांस है इनको एक मल्टी फेसेटेड अप्रोच के थ्रू और या एक मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के थ्रू, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज, इंटरनल रिफॉर्म्स, इन तमाम के थ्रू पाकिस्तान को इन चैलेंजेस को जो है वो नेविगेट करना है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। अब इसमें ये हुआ कि पाकिस्तान जो है वो अपने इन थ्रेट्स के साथ बहुत इजीली अपनी स्टेबिलिटी को कायम कर सकता है, अपनी जो रीजनल स्टेबिलिटी उसे मेंटेन कर सकता है, इंश्योरिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड सेफगार्डिंग इट्स सॉवरेनिटी रिमेन्स पैरामाउंट फॉर इट्स नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज। इन पाकिस्तान के एक बिल्डअप के लिए, उसकी एक सॉवरेनिटी के तहफ्फुज के लिए जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, मेन थिंग इज नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपने अपने क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आपने ये डिफरेंट डायनेमिक्स को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इंप्लीमेंट करना है, इसकी कंप्लीट आपको एनालिसिस और स्टडी करनी है कि सिक्योरिटी डायनेमिक्स एक्चुअली में क्या है और किस तरीके से ये डिफरेंट जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज हैं या मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं या मल्टीफेसेटेड अप्रोचेज हैं, वो किस तरीके से हासिल हो सकती है पाकिस्तान को टू कोप ऑल दिस चैलेंजेस। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।